आज एक बड़ा दिन है, चुनाव नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च पुल पर आज 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ा। ये ट्रायल रन था जिसमें ट्रैक पर ट्रेन की रफ्तार को चेक किया गया। रेलवे ने रियासी से संगलदान की 46 किलोमीटर की दूरी को 31 मिनट में पूरा किया, जिसमें बीच बीच में ट्रेन की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक उसको ले जाया गया। इस ट्रायल रन के दौरान कोड़ी और बक्कल के बीच बने चिनाब नदी के आर्च पुल पर भी ट्रेन को फुल स्पीड में दौड़ाया गया और उसकी टेस्टिंग की गई। इस दौरान ट्रेन 9 किलोमीटर के टनल से होकर भी गुजरी। स्पीड चेक के इस ट्रायल रन में रेलवे के अधिकारी भी ट्रेन में सवार थे। इन लोगों ने संगलदान से रियासी तक का पूरा सफर खुद तय किया। पहली बार है जब इस ट्रैक पर ट्रेन को 8 बोगियों के साथ फुल स्पीड ट्रायल लिया गया। इससे पहले पिछले कई दिनों से इंजन को इस ट्रैक पर अलग अलग रफ्तार से गुजार कर ट्रायल रन लिया जा रहा था। संगलदान और रियासी के बीच सबसे बड़ा चैलेंज चिनाब नदी पर बना आर्च पुल था। चिनाब ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर है, जबकि 1300 मीटर लंबे इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है। इस ब्रिज से जब ट्रेन फुल स्पीड से गुजरी तो कश्मीर तक ट्रेन पहुंचने की उम्मीदें बढ़ गई। Z News.